देव ऑनलाइन हेल्प दोस्तों, जीबाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट यूजी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, तो उनके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है प्राइवेट फॉर्म को लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो कि यूनिवर्सिटी की द्वारा अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीबाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की तरफ से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है, जो कि आज ही की डेट में अपडेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 मई 2021 अंतिम अवसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट चांस रहेगा प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए, यूजी कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संशोधित अधिसूचना में आपको देखने को मिल जाएगा यूजी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर सीजन 2020-21 ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट एमपी ऑनलाइन पोर्टल के रूप में परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर नामांकन कराए जाने हेतु संशोधित तिथियाँ, यानी कि जो लेटेस्ट जो डेट है वो जारी की जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं जो फीस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये जो है यहाँ पर जो एमपी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है प्राइवेट फॉर्म फिलअप करने के लिए यूजी कोर्स के लिए, ठीक है, नामांकन के लिए। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं आउट ऑफ एमपी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 200 रुपये चार्ज रहेगा नामांकन या इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। और जैसे ही आपका यहाँ पर इनरोलमेंट जनरेट हो जाएगा इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम फीस पे करके आप जो है एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और अपना फर्स्ट ईयर यहाँ से पास आउट कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं कब तक आप इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा नामांकन विलंब शुल्क ₹200 के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यानी कि आपको जो ₹200 जो है लेट फीस के साथ फॉर्म फिलअप करना होगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 29 मई 2021 रखी गई है। और यहाँ पर रेगुलर फीस के साथ आपको अभी डेट यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है, तो लगभग कल तक ये डेट यहाँ पर अपडेट की कर दी जाएगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो अभी अभी जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पर नियमित शुल्क के साथ आपको डेट अपडेट कर दी जाएगी कल तक। और अगर आप लेट फीस के साथ जमा करेंगे तो आपको ₹200 लेट फीस के साथ 29 मई 2021 तक आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और फ्रेंड आपको दिखा दूँ तो ज़्यादातर की यहाँ पर आपको 27 मई अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। इसके अलावा आपको प्राइवेट फॉर्म से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इन्हें आप यहाँ से रीड कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आपको देख सकते हैं आवश्यक दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा वो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं 10th की, और यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उनके लिए रहेगा जिनको यहाँ पर हिरतप प्रमाण पत्र, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो बनवा सकते हैं। और गैप सर्टिफिकेट जिनका गैप है उनके लिए रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना यहाँ से फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा अपने कॉलेज में। जो भी जीवाजी यूनिवर्सिटी से एपिलेट कॉलेज हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप के फ्रेंड आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी प्राइवेट फॉर्म भरना चाहता है या फिर प्राइवेट यूजी कोर्स करना चाहता है। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सवाल आपका कोई भी कमेंट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।